ओम नमो देवाय नमः शिवाय, ओम नमो देवाय शं आदि शंकराय, ओम आदि शेखराय, ओम शिवेश्वराय नमः, ओम सिद्धेश्वराय नमः, ओम आदि शेखराय नमः, ओम आदि शंकराय नमः, ओम पराशिवाय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम शक्तवे नमः, ओम आदि शक्ति देवी नमः, ओम शंभो 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 शंभो, ओम शंभो, ओम शंभो, ओम शंभो, ओम गुरुदेवाय नमो नमः, गुरुदेवाय नमो नमः, गुरुदेवाय नमः, ओम ओम ओम। परम सत्य ही परमेश्वर है, पर ब्रह्म है, परम साक्षी है, परमांगी भूत है, सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं। निडर हो जाओ क्योंकि सत्य का समय आ गया है। निडर हो जाओ, निर्भीक हो जाओ, तुम्हारे अंदर है एक अनंत गगन। अंतरिक्ष की सैर में आओ ले चले हम सब, चलो चले उस राह में, उस यात्रा में जिसमें मौन का आनंद भी हो और परमार्थ की चेतना भी, जिसमें शाश्वत रूपी सत्य भी हो और कृत कृतार्थ करने वाली कृपा भी, जिसमें सत्य की अग्नि हो और सिद्धों की संजीवनी भी। हे गुरुदेव, हे परमेश्वर, हे परम पिता, हे पर ब्रह्म, हे आदिशक्ति, हे सर्वेश्वर, हे शिवेश्वर, शिवेश्वराय, परमेश्वराय, सिद्धेश्वराय, शंकराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। देवी शक्ति की अनुकंपा से, गुरु की अनुकंपा से, और जो भी अनुकंपा का है उसके फल प्रसाद से, अपने कर्म के फल प्रसाद से हम सभी आज यहां पर इस लोक में, इस धाम में, इस अनुभूति के साथ, इस विराट तत्व के साथ, इन पंच तत्वों की समग्रता के साथ एकाकार होकर, एकंगाभिभूत होकर, हम उसको अंगीभूत करके, उन पंच तत्वों को अंगीभूत करके, और फिर उसी से जो खिलकर निखर कर उदित होता है वो मानव स्वरूप लेकर के, वो मानव तन, वो मानव मन, वो मानव बुद्धि, वो मानव शक्ति, वो प्रकृति की एक सुंदर संरचना के रूप में, एक चैतन्य के साथ, एक चेतना के साथ, एक जागरूकता के साथ, एक जागरण के साथ यहां पर है, साथ हैं, एक साथ है। बंद मुट्ठी में भीषण शक्ति बंद मुट्ठी की तरह है, एक साथ है तो शक्ति है,
और अलग अलग हैं तो सब तितर बितर, जैसे नहीं होता है युद्ध में सेना तितर बितर हो गई तो फिर हार सुनिश्चित है। पर अगर सेना उसने अगर सिपाही ने अगर सैनिक ने अपने पांव पीछे नहीं हटाया, अगर सबने अपने पांव पीछे नहीं हटाए कि हमने अपने राजा को वचन दिया है कि हम अपने आखिरी श्वसा तक लड़ेंगे, तो प्राण जाई पर वचन न जाई। क्षत्रिय का यही एक धर्म होता है, योद्धा का यही धर्म होता है। जो योद्धा है वही तो क्षत्रिय है। अब वो योद्धा आज की तिथि में योद्धा युद्ध भी अलग अलग स्तर पे होते हैं। ऐसे देखे तो जैसे हमारे देश की एक सेना है वो सभी योद्धा है, उनका एक धर्म है देश की रक्षा, उसकी सुरक्षा। ये काम सहज नहीं, सरल नहीं, इसके लिए एक अलग ही सोच होनी पड़ती है, एक अलग ही ट्रेनिंग होनी चाहिए। और वो ट्रेनिंग उन्हें मिली रहती है और वो उनमें जज्बा भी अलग होता है, अलग ही होता है। और आप स्वयं में भी देखो अलग अलग समय पर अलग अलग हौसला होता है आपके अंदर, अलग अलग समय पर। तो आपको अपने आप को किधर ढालना है, किस सांचे में ढालना है, यह तो आपको निश्चित करना है। कहीं तो कोई दिशा तो दिखानी पड़ेगी, कोई दिशा तो देनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे ही इधर उधर कहीं नहीं, कोई दिशा नहीं, दिशाहीन ताकत है उसको। तो इसीलिए योग की बात आती है तो लोग बात करते हैं कि ध्यान लगाओ, ध्यान करो, कोई चीज को एक टक उस पर ध्यान लगाओ, कहीं पर वो जहां पर भी निर्देशित किया गया है, जहां पर बताया गया, ऐसा नहीं कि कहीं भी देखने लगे एक टक। अगर किसी भी चीज को ऐसे एक टक नहीं देखा जा सकता है ना, बाह्य चीज को, तो जो करो अपने साथ ही करो। इस प्रकार के अभ्यास में सेल्फ ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस होती हैं। हाँ, कुछ यंत्र होते हैं उनका प्रयोग कर लिया जाता है, कई बार यंत्र आपको बनाने पड़ते हैं, कई बार यंत्र आपको आपके जो प्रशिक्षक होते हैं अथवा गुरु होते हैं वो आपको यंत्र देते हैं। और आपको जो पद्धति है, जो विधि है, वो भी बताते हैं। तीनों आवश्यक है, आप भी जरूरी, पद्धति भी जरूरी, गुरु भी जरूरी, और अगर जो विधान है वो भी जरूरी, चारों चीजें जरूरी है। अगर कोई पांचवी चीज है तो फिर वो भी जरूरी हो जाता है। और छठी चीज तो जरूरी है ही कि आपका आसन होना चाहिए, और सातवीं चीज तो जरूरी है ही कि वो आसन कहाँ लगेगा, तो भूलोक पर ही लगेगा, भूमि पर ही लगेगा, भूलोक तो होना चाहिए, है ना, हवा तो होनी चाहिए, नहीं तो फिर श्वास कैसे लोग, जल तो होना ही चाहिए, नहीं तो चाहे पानी का गिलास हो या फिर कमंडल हो, सब खाली ही रहेंगे। इस प्रकार की चीजें, ध्यान बहुत जरूरी है, ध्यान को ध्यान की तरह करना चाहिए। ध्यान टूटता है ना, ध्यान तो आपको टूटेगा ही टूटेगा, ध्यान लगता ही है टूटने के लिए। ध्यान का अर्थ ही है, ध्यान लगाया ही इसलिए क्योंकि ध्यान था नहीं, क्योंकि आप तितर बितर थे। अब वो सारी चीज जो आपकी पूरी फौज थी जो तितर बितर थी उसको आपने एकत्रित किया, क्योंकि फौज एक सेना आपके पास भी है ना, ऊर्जा की सेना, वो इधर उधर है, आपकी जो ऊर्जा है वो इधर उधर है, कोई इधर है, कोई उधर है, कोई उधर है, कोई उधर है। जितना ज्यादा चीजों में एक साथ हाथ डालोगे उतना ज्यादा आप खुद को एक कहते हैं ना, एक पशोपेश में पाओगे, लैक ऑफ क्लैरिटी होगी, स्पष्टता नहीं होगी, आप अस्पष्टता रहेगा, कंफ्यूजन होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत सारी बातें जो स्व से भी संबंधित हैं वो समझ में नहीं आएगी।
मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे मुझे क्या जरूरत है, कुछ भी नहीं समझ में आया। समझ में आता भी नहीं है किसी को, इतनी जल्दी नहीं समझ में आता है। ये तो गुरु ही आपको बताते हैं, जो बताता है वही गुरु होता है कि क्या सत्य है क्या असत्य है। सत्य और असत्य में भेद गुरु ही बताता है, बताने वाला गुरु ही है। तो प्रारंभ वहीं से होना चाहिए। अभी उस पर कार्य चल रहा है, उस पर कार्य करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर आप बोलेंगे तो जरूर करेंगे, उस पर भी कार्य करेंगे, पर आपको लिखना पड़ेगा कि ऐसा कीजिए। बोल तो यहां सकते नहीं, लिख सकते हैं। अगर आप लिखेंगे, अगर 50 लोग लिखेंगे कि सत्य और असत्य में भेद क्या होता है, क्या सच है क्या झूठ है, कैसे हम निद्रा से तंद्रा से जग जाएं, वो क्या तरीका है, वो कौन सी पद्धति है, वो कौन सा माध्यम है, ये सब प्रश्न आएंगे अगर आप लिखेंगे। अगर आप में वास्तव में इच्छा है, वास्तव में, इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट नोइंग द ट्रूथ, देन यू राइट। यू कैन आइदर राइट टू अस इन एनी फॉर्म। There are ways to write. There are platforms to write. तो वो आप भेजिएगा। ऐसे कई लोग जब भेजेंगे तो जरूर उस पर भी बताएंगे। ऐसा क्यों नहीं बताएंगे, कि ऐसा कोई कारण नहीं बताएंगे। शायद न लिखोगे तब भी बताएंगे। कारण किसी का काम ही होता है बताना, किसी का काम ही होता है कि वो बताए। बताने वाला बताएगा नहीं तो फिर क्या करेगा, सुनने वाला सुनेगा नहीं तो फिर क्या करेगा, लिखने वाला लिखेगा नहीं तो फिर क्या करेगा, बोलने वाला बोलेगा नहीं तो फिर क्या करेगा। जिसको चलना है वो तो चलेगा ही, जिसको दौड़ना है वो तो दौड़ेगा ही, जिसको ठहरना है वो तो ठहरेगा ही, जिसको स्थिर हो जाना है वो स्थिर होके ही रहेगा एक नहीं, जिसको धैर्य रखना है, धीरज बांधना है, वो तो बांधेगा ही। उसको कैसे रोकोगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। तपस्या करने से, साधना करने से क्या किसी ने कभी किसी को रोका है, कोई नहीं रोक सकता कभी। ये तो शास्त्रानुगत है कि प्रयास करें, इस दिशा में प्रयास करें। प्रयास तो करना ही पड़ेगा, बिना प्रयास के कोई मार्ग नहीं है, कोई हल नहीं है। इस मार्ग पर, इस खेत पर हमें हल चलाना ही पड़ेगा, बिना हल चलाए कोई हल नहीं मिलेगा, कोई मार्ग नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर मेहनत कैसे करें, हल कैसे चलाए। हल चलाना इतना आसान नहीं है, ट्रैक्टर चलाना भी आसान नहीं। आजकल ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाना भी इतना आसान नहीं। चला लो तुम ट्रैक्टर, कर लो तुम खेती, जाओ जाके, अगर तुम किसान नहीं हो और तुम्हारे पास जमीन है खेती करने की, करके दिखा दो खुद से। नहीं कर पाओगे, तुम जाओगे किसान के पास ही, या किसी हलधर के पास, या किसी उस प्रकार के मजदूर के पास ही, वही अंततः आपका कार्य करके आपको देगा, और उस काम में आपको ज्यादा माथापच्ची भी नहीं करना है, उसमें रिजल्ट्स भी आते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम ध्यान लगाएं, ये बहुत जरूरी है कि हम समझें क्या बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है। ऐसे ही नहीं बोला, कोई तो कारण, कोई तो कर नहीं। प्रेम के संदेश का एक ही कारण होता है,
कारण प्रेम है। जब प्रेम ही स्वभाव है, जब प्रेम ही भाव है, जब प्रेम ही सब कुछ है, तो ये तो आप समझ लो कि प्रेम भाव से ही होता है। इसलिए उसकी चिंता तो नहीं करनी है, वो तो होगा, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, रास्ता मिल ही जाएगा। परंतु तो ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम काम कर सकते हैं, पर मिलकर ही करना पड़ेगा। नहीं कोई बात नहीं, ये तो बस ऐसे ही, आप न लिखो तो भी प्रेमी है, लिखोगे तो भी प्रेमी है। प्रेम को आपसे कोई नहीं छीन सकता, सौंदर्य को आपसे कोई नहीं छीन सकता। लिखने को बस मैंने इसलिए कहा कि लिखिएगा तो वो फिर तो वही बात होती है, कोई भी चीज लिखी क्यों जा रही, कोई भी चीज बोली क्यों जा रही। इसीलिए अन्यथा नहीं बोलते, और जब भी लिखना अपने नाम के साथ लिखना, ठीक है ना, नाम भी लिखना उसमें नहीं, क्या नाम लिखना। सौंदर्य बड़ा अनूठा है, अनुपम है, अद्वितीय है, यही तुम्हारी ज्योति है, तुम्हारी शांति, तुम्हारा मौन, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा मेहनत, तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा लगन, यही तुम्हारी ज्योति है और यही तुम्हारा सौंदर्य है। इसी में, इसी से, इसी की वजह से सारा प्रेम आता है, इसी की वजह से सारा प्रेम मिल रहा है, मिलने वाला है। प्रेम का कोई कारण नहीं, प्रेम तो एक स्वभाव है। तो आज हम बात कर रहे थे ज्ञान की, ज्ञान की बात कर रहे थे, तो ध्यान करना अच्छी चीज है नहीं? ध्यान करना अच्छी चीज है, ध्यान तुम्हें अगर ध्यान पर, ध्यान का मार्ग होना चाहिए, उसकी पद्धति होनी चाहिए, उसका विधान होता है, कि विधि विधान होते हैं, उसको जानिए, उसको सीखिए, गुरु से जानिए, उसके लिए पूछिए, लिखिए, बताइए कि जानना चाहते हैं, तो फिर इस पर कार्य होगा। सबका हिसाब अलग 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 है, सबका अलग अलग है ना, सबकी यात्रा अलग अलग रही है, कौन अभी कहाँ पर है, किस अवस्था में है, ये भी इस पर निर्भर करता है, और सब कुछ समय के साथ होता है। समय के साथ ही आपको संदेश भी मिलता है, अभी जो संदेश मिल रहा है समय के साथ ही है, समय के विरुद्ध तो नहीं है। पर कितनी चीजें हैं जो सीख सकते हैं, सीखने का कोई अंत नहीं, सीखने से कभी पीछे हटना नहीं चाहिए, नहीं सीखने से कोई छोटा कोई बड़ा नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि जो सीख रहा है वो छोटा है, जो सीख गया वो बड़ा है, ऐसा नहीं होता है, सब सुंदर है।
जो सीखा वो भी, जो ना सीखा वो भी, पर सीखना अच्छी बात है। सब सीखते ही हैं, अलग अलग चीजें सीखते हैं, और सबका समय आता है। समय के साथ सबको समझ में आता है, संदेश मिलता है। ठीक है, तो सत्य, सत्य जो है वो परम आवश्यक, बहुत जरूरी है। सत्य को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, करने की जरूरत भी नहीं है। जो करता है वो अपनी आजादी से हाथ गवा देता है, हाथ गवा देता है, हाथ धो बैठता है। तो सत्य ही तुम्हारी स्वतंत्रता है, सत्य में ही जीवन है, सत्य में ही अमृत है, सत्य में ही सदा शिव है, सत्य में ही शांति है, सत्य ही सबसे बड़ा धन है। और हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए, निडर होकर के सत्य जैसे जो भी है, जैसा भी है, स्वीकार करना चाहिए। सत्य को स्वीकार करने में सत्य से डरना नहीं चाहिए। सत्य बड़ा सुंदर होता है, सत्य ही तो असली है, बाकी क्या है। इसलिए सत्य पर फोकस करना, सत्य पर, सत्य के पथ पर चलना, ये जरूरी है। कुछ भी कर लो आप, मगर अगर सत्य से चुके आप, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, बड़े से बड़ी चीज कर लो, परंतु अगर आप सत्य से चूक गए, अगर आप सत्य से हाथ धो बैठे, अगर आप सत्य के साथ नहीं, अगर आप में सच्चाई नहीं, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको पता होगा समथिंग इज मिसिंग, यू विल फील डिसओरिएंटेड, डिससैटिस्फाइड, यू विल नॉट फील दैट यू आर लव्ड, you will feel, you will know that I am not loving, I don't have love inside me right now, because there is no truth inside you. Par satya aapka, aapki pratiksha kar raha hai, satya aap, satya ke dwar sada sab ke liye khule hi hain, aap satya ki hi wajah se is jagat mein ho, सत्य का ही बना हुआ, सत्य से ही बना हुआ, सत्य की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। प्रिय बंधुओं एवं विश्वजनों एवं विश्व बंधुओं, हम सब विश्व बंधु हैं, जगत बंधु हैं, एक साथ खड़े हैं, एक साथ खड़े होना है, एकदम एक साथ डटकर खड़े होना है। अपनी पर्सनल बैटल में भी और वैसे भी कर्म क्षेत्र, यही हमारा कर्म, पीछे नहीं हटना है। ठीक है, पीछे नहीं हटना है। ध्यान बहुत जरूरी है, ध्यान को ध्यानस्थ होकर लगाना है, ध्यान को सीधा होकर लगाना है। ध्यान में कुछ भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सब कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उचित आसन, उचित प्राणायाम, उचित व्यायाम, उचित आहार, अगर ये सब हो जाए, फिर ये सब भी गुरु ही बताते हैं कैसे, क्योंकि अगर नहीं है, अलग प्रकार की जीवन शैली होती है आजकल, तो बहुत अलग प्रकार की हो गई है, तो इसको कैसे कर,
सिखा देंगे, ऐसा सिखाने में तो सिखाने वाला सिखा ही देते हैं, उसमें कैसी कोई बात नहीं है, क्यों नहीं, अवश्य 100% सिखाएंगे, एकदम आपको सीखना है, आप सीखिए हर्ष के साथ, आनंद के साथ, प्रेम के साथ, स्वीकृति के साथ, सहजता के साथ, सरलता के साथ, पूर्ण प्रेम के साथ, पूर्ण प्रेम के साथ सीखिए, नो टेकिंग बैक, गिव इट योर ऑल ऑफ योर लव एंड लर्न इट विद लव, प्रेम के साथ सीखो, तो फिर आसान हो जाएगा उसको सीखना, फिर उसको तुमको अभ्यास जब करोगे, उसको जब प्रैक्टिस में लाओगे, तो फिर कोई जतन नहीं लगेगा विशेष, वो हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं तो वो बताई जाती हैं, अगर उनको भी किया जाए तो विशेष अनुकंपा हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि फिर और सहजता मिलती है और सरलता मिलती है ध्यान। इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट इट, अगर आप बहुत गंभीर हैं इस विषय के बाद, इस विषय को लेकर, गंभीर का मतलब ये नहीं है कि वह आपको बोल रहे दिन भर करो, जब भी करते हो वो भी बताया जाएगा कि समय करना अच्छा होता, श्रेष्ठ होता है, अगर उस समय नहीं कर सकते हो तो किस समय और कर सकते हो, तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जब भी करो तो कैसे प्रारंभ करना है, वो प्रारंभ की कुछ चीजें बताई जाती हैं, वो बता दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं, इसीलिए है ये, इसको कहते हैं ना, तो ऐसे ही थोड़ी है। अब उसको जो भी तुम नाम दे दो, तुम कोई भी नाम दे दो उसको, नाम में क्या है, नाम तो कुछ भी दे सकते हो, जो तुम्हारे तुमको अच्छा लगे वो नाम दे दो, नाम में कुछ नहीं, प्रेम में है, सब कुछ प्रेम में, नाम में तो शब्द है, प्रेम में अच्छे ही, प्रेम भाव में अच्छे ही शब्द निकलेंगे, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ध्यान करने से पहले कुछ विधि विधान, कुछ चीजें वो सीखनी पड़ती हैं, अगर वो आप सीख लेंगे तो अच्छा होगा, उन पर हम कार्य करेंगे। आपके जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपको एक आसन में बैठना पड़ता है, ये सोए सोए तो ध्यान नहीं लगा देता है, बैठकर ही ध्यान लगाता है, तो कैसा जगह होना चाहिए, क्या होना चाहिए उस जगह में, क्या होना चाहिए, क्या क्या आप कर सकते हैं, वो सब बताए जाते हैं, जिससे एक कहते हैं ना, एक कनेक्टिविटी बन जाती है, एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है, एक जुड़ाव हो जाता है, और जुड़ाव जब हो जाता है तो एकदम मतलब जुड़ाव हो जाता है, उसको शब्दों में व्याख्यान करना बड़ा कठिन है, अधिक से अधिक हम इतना ही कह सकते हैं अभी कि आपको लगेगा कि आपका हृदय और वो चीज, आपका ध्यान करने का जो स्थान है वो, वहाँ का स्थान और वो चीज, वो पूरी शक्ति जो है, पूरी कृपा जो है वो आप पर, आपके साथ है, वो महा चीज जो महा वो होती है वो आपके साथ होगी, आपको कोई डर भय कुछ भी नहीं, या कोई भी अन्यथा फीलिंग्स वो नहीं रहेंगे, तो इससे सहजता होती है, सरलता होती है ध्यान को करने में, परंतु ध्यान की सही पद्धति भी बताई जाती है ना, ठीक है, और भी चीजें होती हैं वो भी बताई जाती है कि आप इसमें भाग ले सकते हो, आप उसमें भाग ले सकते हो, तो वो सब तो समय के साथ बताया जाएगा,
समय काल के साथ बताया ही जाए, पर इससे पहले कि वैसे समय आए आप स्वयं को तैयार कर लीजिए, ताकि आप उस समय के लिए तैयार रहें। आज से तैयारी प्रारंभ करोगे तो भी तो आज से 3 महीने 6 महीने में पूर्ण रूप से तैयार हो जाओ। अभी इस पर इतना ही बोलेंगे, इस पर आप लोग लिखिए आपके विचार क्या हैं, और कुछ दिनों के पश्चात कुछ संध्याओं में दोबारा श्रावण मास आने वाला है, आ ही चुका है। तो श्रावण की सोमवारी होती है, अद्भुत समय है। तो हम श्रावण के पावन मास में हम जल्द ही फिर से मिलेंगे, और ये मास जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए ने कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए कि इस बार कुछ सीखना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, चूंकि कमर कसना है, सीखना है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लिखो, बताओ, तैयार हो, कमर कस चुके हो, फिर ठीक है ना, तो फिर होगा, ठीक है, ठीक है। चलो, और तो अभी इतना ही, ठीक है, बाकी सब गुरु की कृपा है, गुरु की महिमा है। 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, उस अवसर पर भी एक कार्यक्रम होगा, आप लोग सभी भाग ले सकते हैं, ठीक है। और जो जो 21 तारीख की गुरु पूर्णिमा में भाग लेना चाहते हैं, या उसका जो ऑनलाइन होगा उसमें जो भाग लेना चाहते हैं, जो भी भाग लेना चाहते हैं, ऑनलाइन भी आप भाग ले सकते हैं, ऑनलाइन ही लीजिए। तो जो भी 21 तारीख की गुरु पूर्णिमा में को लेकर के उत्साहित है, गुरु पूर्णिमा इस वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, तो अतः 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है इसी मास में, इसी महीने में, तो जो जो उसके लिए तैयार है, जो जो इच्छुक है, आप लोग ये इस संदेश को सुन रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, तो बता दीजिए। और फिर जो लोग इसमें हैं वो लोग आपको बता देंगे कि आपको कैसे जुड़ना है ये गुरु पूर्णिमा के लिए, ठीक है। तभी इतना ही है, बाकी जल्दी मिलते हैं गुरु पूर्णिमा। प्रणाम।